बात करेंगे कैस्केडिंग फॉर फॉरेन कीज। कैस्केडिंग क्या होता है? कैस्केडिंग होता है कि अगर आपने फॉरेन कीज के तौर पे किसी भी एक और टेबल की प्राइमरी कीज को सेट किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा जैसे आप प्राइमरी कीज को अपडेट करें फॉरेन कीज जो है वो भी अपडेट हो जाए, और अगर आप प्राइमरी कीज को डिलीट करें तो फॉरेन कीज भी आपकी की उसके साथ ही डिलीट होकर आपका टेबल जो है वो अपडेट हो, तो उसके लिए कैस्केडिंग यूज की जाती है। कैस्केडिंग दो तरह की है, एक है ऑन डिलीट कैस्केडिंग और एक है ऑन अपडेट कैस्केडिंग। ऑन डिलीट कैस्केडिंग क्या है कि एक आपकी एक ऐसी कैस्केडिंग की टाइप है जिसमें जब आप प्राइमरी की को डिलीट करते हैं पेरेंट टेबल में से, जिस टेबल में से आपने प्राइमरी की जो है वो किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की आपने सेट की हुई है, तो प्राइमरी की जब आपकी पेरेंट टेबल में से डिलीट होंगी तो चाइल्ड टेबल में प्राइमरी की एज अ फॉरेन की काम कर रही थी वो फॉरेन कीज भी डिलीट हो जाएंगी। ऑन अपडेट कैस्केड क्या है? ऑन अपडेट कैस्केड एक ऐसा कैस्केड की टाइप है जिस में आप जब अपने प्राइमरी कीज को अपडेट करते हैं, जब आप अपनी प्राइमरी कीज को अपडेट करते हैं किसी एक टेबल में, जिस प्राइमरी की वाले कॉलम को या जिस प्राइमरी की वाले स्कीमा को आपने किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की सेट किया होता है, प्राइमरी की अपडेट करते ही आपकी फॉरेन कीज जो होती है वो भी अपडेट हो जाती है। उसके लिए करना क्या होता है, आप जो टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट के नाम से, इसमें आईडी कोर्स आईडी लिखी हुई है, इंटीजर फॉरेन की लिखी हुई है, कोर्स आईडी जिसको हम डिपार्टमेंट आईडी बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी से रिलेटेड है, उसको हमने ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड के तौर पे टेबल को क्रिएट करना। तो देखते हैं हम किस तरीके से कैस्केडिंग को यूज करते हैं। टीचर वाले टेबल को ड्रॉप करना, रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप टेबल टीचर एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले हमें टीचर वाले टेबल को ड्रॉप करना, रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप टेबल टीचर को एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमने ड्रॉप कर, अब ड्रॉप क्यों किया, रीजन ये है ड्रॉप करने की कि अब हम कैस्केडिंग के अकॉर्डिंग इस टीचर वाला टेबल जो है वो क्रिएट करना चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और अगेन यहां पे पेस्ट करके मैं इधर से लिखता हूं जी ऑन अपडेट कैस्केड ऑन डिलीट कैस्केड। इसको अब मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे ये मेरा टेबल जो है वो कैस्केड के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, पहले डिपार्टमेंट में, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, वैल्यूज क्या आएंगी इसमें। अब डिपार्टमेंट में हमारे दो कॉलम्स है, एक आईडी का और नेम का। पहले हम लिखेंगे आईडी, आईडी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ 101 और डिपार्टमेंट कह देता हूँ जी साइंस डिपार्टमेंट। सेकेंड वन इज आईडी विद 102 कॉमा कॉमर्स डिपार्टमेंट कॉमा 103 आईटी डिपार्टमेंट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर करने पे की वैल्यू है, देखते हैं जी सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे 101 साइंस, 102 कॉमर्स और 103 आईटी के डिपार्टमेंट्स के नेम और आईडीज। अब हम टीचर्स की डिटेल थोड़ी ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जी इंसर्ट इनटू टीचर, वैल्यूज क्या आनी चाहिए जी, वैल्यू आनी चाहिए जी आपकी 1001 टीचर की आईडी, नेम आना चाहिए यहाँ पे हमारा वेरकेयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अहमद, और आपका आईडी क्या आनी चाहिए ये इसको मैं कह देता हूँ जी ये 103 डिपार्टमेंट से है, 1002 सुभान, 101 डिपार्टमेंट से है ये, एंड 1003 आसिम, ये है जी 102 डिपार्ट। तो हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करने पे ये क्लियर है टेबल, सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे हमें ये टेबल शो होता है जिसमें यहाँ पे ये टीचर्स की आईडी है, टीचर्स के नेम, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, ये आपकी फॉरेन की है जो कि डिपार्टमेंट के टेबल से प्राइमरी की आपकी डिपार्टमेंट की आईडी जो है उसको रेफरेंस। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ जी अपडेट डिपार्टमेंट टेबल सेट आईडी इक्वल्स 10 इफ देयर आईडी इक्वल्स 103, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट देखते हैं जी, तो यहाँ पे 105 आपकी आईडी जो है वो अपडेट हो। अब अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे टीचर्स के अकॉर्डिंग में जहाँ पे 103 था वहाँ पे 105 जो है वो आपका अपडेट हो गया। तो ये आपकी कैस्केडिंग का फायदा होता है कि जब आप किसी भी डेटा को डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो वो आपका डेटा जो होता है प्राइमरी और फॉरेन की से लिंक्ड डेटा कैस्केडिंग की वजह से ऑटोमेटिकली अपडेट होता है।